बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मौका दिया है बोलने के लिए। अध्यक्ष जी, बहुत ही ये खुशी का मौका है कि पूरी दिल्ली के अंदर कल जब बजट पेश हुआ है एलजी साहब के अभिभाषण के बाद, जिस तरह से लोगों की पत्रिका आ रही है, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस आ रहा है और लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, इससे ये साफ पता लगता है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है और उनके द्वारा, सरकार के द्वारा जो काम किया गया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी इसके बारे में अच्छाई की जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है। एलडी साहब ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी बातों का जिक्र किया, दिल्ली की सरकार के जो काम हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनके बारे में बताया। और खुशी की बात यह है कि जिन जिन कामों के बारे में एलडी साहब ने जिक्र किया, इसमें से ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जनता बहुत अच्छे जानती है। जनता ने हर उस काम को रिकग्नाइज़ किया है और सबके ध्यान में अच्छे से ये चीज़ें हैं कि दिल्ली में एक सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में काम कर रही है, वो इस विकट समय में, जिस समय पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मुश्किल में और महामारी को झेल रही थी, ऐसे समय के अंदर भी ऐसी सरकार, दिल्ली की सरकार ने जितना सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, इसकी तारीफ जनता के अंदर, हर व्यक्ति जनता के अंदर इसे करता है। लोगों के अंदर ये संदेश है, लोगों का ये कहना है कि कोरोना महामारी के समय में जब ज़्यादातर सरकारें होपलेस थी, उनके पास कोई नीति नहीं थी, उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई तरीका नहीं था, उस समय दिल्ली की सरकार हर वक्त, हर रोज़ अपने नियमों, अपने कानूनों में, अपनी नीतियों में बदलाव कर रही थी। जिस तरह से हालात बदल रहे थे, उसी तरह से दिल्ली की सरकार की नीतियां बदल रही थी। और दिल्ली के लोग इस बात को लेकर बहुत गौरव महसूस करते हैं कि दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से खुद उन्होंने अपनी बागडोर संभाली हुई थी ऐसे मुश्किल समय के अंदर, ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिला। अनेकों काम कोरोना के काम में दिल्ली की सरकार, हमारी सरकार ने किए, और जिस तरह से सरकार के द्वारा लाई गई व्यवस्थाओं को दिल्ली के लोगों तक पहुंचाया गया, वो बहुत सराहनीय था। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि ऐसे मुश्किल समय के अंदर हम नीतियां तो बना लेते हैं ऑफिस में बैठकर, लेकिन ज़मीन तक उनका पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार और उसके बाद अधिकारी, उसके बाद जो चुने हुए हमारी सरकार के लोग हैं, इन हम सब ने जिस तरह से काम किया, जनता को उसको पूरा, उन सभी नीतियों का पूरा लाभ मिल पाया। मैं खुद भी इन्फेक्टेड हुआ था कोरोना के समय में, और उस समय जिस समय ये महामारी बहुत पीक पे थी, मई के समय में, मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन इन्फेक्शन हुआ था, उससे पहले हमारे कार्यालय पे डेली भीड़ लगती थी, लंबी लंबी लाइन लगती थी। कोई राशन के लिए आता था, कोई अपना सैनिटाइज करने के लिए, लिखवाने के लिए आता था। हम जो इलाके के बुज़ुर्ग हैं, उनको मदद करने के लिए उनके घर तक दवाइयाँ पहुँचा रहे थे। जो भी हम काम कर पा रहे थे, उसकी वजह से सभी विधायक साथियों के कार्यालयों पर भीड़ लग रही थी। और ये बड़ा सराहनीय है, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम सभी यहाँ उपस्थित विधायकों ने उस मुश्किल समय में मजबूती से डट के सामना किया है, और एक भी दिन अपना कार्यालय बंद नहीं किया पब्लिक के लिए। हर रोज़ वहाँ हमारे कार्यालय पर लगने वाली भीड़ को हमने अटेंड किया। जैसे जैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश आ रहे थे हमारे पास, हम उनका पालन कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद किसी और राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा, जहाँ पर चुने हुए लोगों ने इतनी 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 मेहनत करके इस मुश्किल समय के अंदर अपनी पब्लिक को संभाला होगा। एलजी साहब ने बहुत सारी चीज़ें सरकार के बारे में बताई, मैं सिर्फ एक दो पे ही अपना आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एलजी साहब ने जो इस मुश्किल समय के अंदर लोगों की जो नौकरियां जाने का जिक्र किया, और नौकरियां जाने के बाद जिस तरह से दिल्ली सरकार ने उसको लेके काम करना शुरू किया, हमारे कार्यालय में रोज़ाना कोरोना के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं भी, पुरुष भी आ रहे थे, इवन बुज़ुर्ग भी आ रहे थे, घरों से निकल के कह रहे थे कि घर में बहुत दिक्कत हो गई है, हमें कामकाज की दिक्कत है, हमें आप मदद कीजिए, कोई रोज़गार बताइए। और जिस तरह सरकार ने जो पोर्टल बनाया, उसके बाद लोगों ने वहाँ पंजीकरण करना शुरू किया, और उसके बाद लोगों को उसमें उससे मदद मिलनी शुरू हुई, उससे भी लोग बहुत खुश रहे, उनको बहुत राहत मिली। दिल्ली के अंदर
ऐसे समय में जिस समय अन्य सरकारों के पास कोई योजना नहीं थी, ऐसे समय के अंदर दिल्ली सरकार, एक तो हम अपना बजट के अंदर हमने वृद्धि की है, जहां ये अपेक्षा की जा रही थी कि हमारा बजट कम होगा, ना सिर्फ हमने अपना बजट में वृद्धि करके ये दिखाया है, जो कैग की रिपोर्ट भी कह रही है कि दिल्ली एकमात्र शहर है, एकमात्र राज्य है जिसका बजट हर बार मुनाफे में होता है, फ़ायदे में होता है। इस बार भी जो बजट हमारा पेश हुआ है उसमें जो हम नई सरकार के द्वारा नई नीतियाँ हम लेके आए हैं उसको लेकर ये साफ समझ में आता है कि हमारी सरकार एक भी दिन, चाहे कोरोना का समय से लेकर अब तक एक भी दिन उसने वो आराम से नहीं बैठी है। उनका लगातार प्रयास रहा है कि नई नीतियों पे लोगों के लिए काम किए जाएं। और कल जिस तरह से ये बताया गया वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा कि हम पूरी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारे पास लोगों के द्वारा लोकेशन की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है कि हमारे इलाके में आप यहाँ लगाइए, हमारे इलाके में यहाँ लगाइए। तो पूरे लिहाज से, हर लिहाज से ये बजट और एलजी साहब का अभिभाषण बधाई का पात्र है। मैं पूरी सदन की तरफ से और दिल्ली की आम जनता के साथ सहभागिता करते हुए उपराज्यपाल महोदय के द्वारा दिए गए अभिभाषण का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मौके बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।